दिलों पर राज करने वाली धक धक कर माधुरी दीक्षित का जलवा आज भी बरकरार है। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा हैं जो अपने दिलकश अंदाज से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर 3 दशकों से राज कर रही हैं। मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी ने साल 1984 की मूवी अबोध के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह राम लखन, दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और देवदास जैसी फेमस मूवियों में नजर आई। उन्होंने अपने सिनेमाई सफर में एक से बढ़कर एक हिट मूवियां दी। माधुरी को अभिनय के अलावा नृत्य कौशल और अभिव्यक्ति के लिए भी सराहा गया। माधुरी दीक्षित हर निर्माता और निर्देशक की पहली पसंद बन गई। दयावान मूवी में विनोद खन्ना के साथ इंटीमेट सीन देने के बाद से सुर्खियों में आई माधुरी एक मात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने 2 पीढ़ी के साथ काम किया। दयावान में विनोद खन्ना के साथ काम करने के बाद उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ भी काम किया। 1988 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की मूवी तेजाब बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तेजाब 50 हफ्तों तक सिनेमा घरों में टिकी रही थी। इस सुपरहिट मूवी के 1-2-3 गाने में माधुरी ने मोहिनी बनकर करोड़ों दिलों को लूट लिया था। माधुरी ने उस समय मूवी से ब्रेक लिया था जब 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी कर ली। माधुरी दीक्षित आखिरी बार कलंक मूवी में संजय दत्त के साथ नजर आई थी। कलंक मूवी में माधुरी दीक्षित ने अपने क्लासिकल डांस से सभी का दिल एक बार फिर से जीत लिया। रिपब्लिक परिवार की ओर से माधुरी दीक्षित को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना ना भूलें।